अरे नहीं लड़कियां लड़के तो मुझसे ही करते हैं सीखने को मिलेगा। ठीक है,
जिसको आपके बहुत काम है, ठीक है। बढ़ाई या टेस्ट याद ना होने पर स्कूल ना जाना, तू कल क्यों नहीं आया था, ऐसा टीचर द्वारा पूछे जाने पर बीमारी का बहाना बना। हमने ऐसे कई खुशियों के पलों का पूरा आनंद लिया था, आज मैं आप सब को अलविदा कहती हूँ। बहुत दुखी हूँ क्योंकि हम एक ऐसे घर से दूर जा रहे हैं जहाँ हम बिना भेदभाव के हमारे परिवार की तरह रहते थे। वक्त इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, इस स्कूल को छोड़ कर आगे पढ़ने जाना, मेरे मन कर्म वचन से कुछ भी गलत ना हो, मेरी आंखें किसी का बुरा ना देखे, मेरे कान किसी का बुरा ना सुने, मेरी जीभ जो है वो किसी का बुरा ना बोले, किसी के लिए बुरा ना बोले, मेरे हाथ किसी के लिए बुरा ना करे और मेरे पैर किसी गलत स्थान पर ना जाए, गलत जगह पर नहीं जाए। इतनी बातें बोल देना, हे यूनिवर्स आप मेरे साथ हो और मेरी सारी बातें पूरी हो गई, मैं अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हो गया हूँ, ये नहीं बोलना हो रहा हूँ, हो गया हूँ। बस ये चीजें आप बना लीजिएगा, रात को अपने पास कराने में नोटबुक रखिए, सब्जेक्ट वाइज सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आप जब उसको पढ़ोगे, दो बार पढ़ो और फिर अपने सराहने रखो, जब सुबह उठोगे ये वाली प्रोसेस करने के बाद वो कॉपी खोलो, वो एक या दो क्वेश्चन है उनको दोबारा पढ़ोगे ना, जहाँ आप सोते हैं ना अपने बेड साइड पे लगा लें ताकि उठते बैठते सोते जाते आपको वो टाइम दिखाता है दिखता रहे और आप उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी स्टडीज करनी है। आपने जो लर्न करते हो उसको लिख कर देखो, आप बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लर्न तो करते हो कोटा रट्टा बिल्कुल लगाते हो लेकिन जब लिखते हो तो इतनी मिस्टेक्स होती है कि आप मार्क्स नहीं ले सकते और घर में आके आप कहते हो हमने पूरा पेपर किया है पूरा लिखा है लेकिन वो जो पूरा लिखा है ना उसमें मिस्टेक्स बहुत होती है। इसलिए ये कोशिश करो कि बार बार उस चीज को लिख के देखो जो भी आपकी इंग्लिश की है हिंदी है मैथ्स है इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करो ताकि वहां जाके अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे मैथ आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सको। चलिए, थैंक यू।
ठीक है, और अच्छी तरह से खाओ पियो, नींद भी लो, थोड़ा खेलो भी, थोड़ा टीवी भी देखो, यानी कि बुक्स में घुस जाओ, लेकिन पढ़ाई जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से करो, ये मैं आपसे कहूँगी। और दूसरा स्पेशल थैंक्स टू मेघना मैम और नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना अच्छा आपके लिए अरेंजमेंट किया था, आपको फेयरवेल दी है, तो गुड लक मेरी तरफ से। बाकी टीचर्स ने बहुत कुछ समझा दिया आपको, वो आपने आपके कहो दोस्तों ना जाने कहां मिल मुलाकात हो, क्योंकि बिंदे हुए लम्हों की कसम साथ रहेगी। गुड आफ्टरनून ऑनरेबल हेड मैम, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट तथा प्यारे जूनियर्स, सबसे पहले तो आपका अभिवादन करता हूं मैं सादिक। हमने आपके इस कार्यक्रम को खूब एंजॉय किया। मैं अपने और अपने क्लासमेट्स की ओर से उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना खूबसूरत विदाई समारोह आयोजित किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारी प्यारी हेड मैम का समर्थन तथा आशीर्वाद भी मिला। इसी के साथ मैं सभी शिक्षकों को जिन्होंने हमें दसवीं कक्षा तथा दूसरी कक्षा